हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 3 फरवरी है और आज हम तीन छोटी छोटी न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे, क्योंकि आज हमारा जो मेन फोकस है वो है एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर जिसका नाम मैंने दिया है जॉब क्रिएशन विथ अ टच ऑफ टेक या फिर टच ऑफ टेक्नोलॉजी। तीन जो छोटी छोटी खबरें हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ, दूसरी जो है ये पोस्टल इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंसेस और हिंदू कुश माउंटेन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक एवरीडे प्लीज़ आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ एक छोटी सी येट इम्पॉर्टेंट अपडेट है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं अश्विनी कुमार चौबे साहब, तो वो एक मीटिंग को हेड कर रहे थे, 6th मीटिंग ऑफ मिशन स्टेयरिंग ग्रुप ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसी मौके के ऊपर बात करते हुए, मीडिया को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये अपडेट दी है कि हमारे देश में फ़िलहाल 8000 जितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। ये 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, टोटल 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसमें ऑपरेशनल हैं। टोटल होने चाहिए 36, लेकिन यहाँ पर 35 इसलिए हैं क्योंकि आई बिलीव के वेस्ट बंगाल जो हैं उन्होंने ये अभियान जो है आयुष्मान भारत योजना, तो उसमें से वेस्ट बंगाल ने ऑप्ट आउट कर दिया है, तो शायद इसलिए यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो नहीं होंगे। ये अपडेट जो है वो जो न्यूज़ आइटम है उसमें इतनी डिटेल्स नहीं थी, बट आई एम एज्यूमिंग कि यही एक रीज़न हो सकता है, वरना हमारे 9 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल होने चाहिए 36। एनीवे ये ऑफिशियल आंकड़ा है तो इसमें गलती नहीं है, मैंने डबल चेक किया है, इट इज़ रिटन हियर 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 8000 जितने वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। ये जो वेलनेस सेंटर हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो इनका मेन काम ये है प्राइमरी हेल्थ जो होती है इसको डिलीवर करना, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मेन फोकस है। तो ये भी चीज़ है कैसी है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। गवर्नमेंट का टारगेट है बाय 2022 हमारे देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे। तो ये थी पहली न्यूज़ आइटम। दूसरी जो न्यूज़ आइटम है ये अगेन एक छोटी सी खबर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये ऐलान किया है कि आने वाले टाइम में पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करेगा और 2 नए प्रोडक्ट्स के साथ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो रोल आउट होगी। एक है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जो है इसका नाम है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये एक छोटी सी खबर है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस मनोज सिन्हा साहब ने ये अपडेट दी है और ये भी बताया है कि ये जो प्रपोजल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का या फिर इंश्योरेंस कंपनी का, तो ये अब कैबिनेट को भेजा जाएगा। अगर कैबिनेट से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो फिर बाद में पार्लियामेंट में, और फिर ये चीज़ जो है वो ऑपरेट होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र जो हैं आने वाले इस मंथ के अंत तक जितने भी हमारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र जो हैं ये भी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। उसके बाद अर्थक्वेक हुआ है, एक भूकंप आया है हिंदू कुश रीजन में, हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। तो लेट्स जूम इट अप एंड सी एग्जैक्टली वेयर इट इज़। ये रहा अफगानिस्तान, उसके नीचे है पाकिस्तान, तो ये रही पाकिस्तान की बॉर्डर और उसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारा भारत। तो ये हिंदू कुश वाला जो रीजन है यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ है और 6.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था जिसकी इम्पैक्ट हमें अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा, फिर पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली का जो रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर, तो इन सारे रीजन में हमें देखने को एक जो ट्रेमर्स हैं इसके वो फील हुए थे। इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि इसका जो एपी सेंटर है, जो मेन पॉइंट है ज़मीन के अंदर, वो एपी सेंटर है यहाँ पर हिंदू कुश रीजन जो अफगानिस्तान में है। तो इस चीज़ को आप, ये मैप को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद स्पेंड 5-6 मिनट्स आफ्टर दिस मैप। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है उसके ऊपर। आज संडे है तो आपको पता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है वो जनरली पूरे वर्ल्ड में बंद होता है, सिर्फ अरेबिक कंट्रीज़ में फ्राइडे को छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देश हैं वहाँ पर संडे को छुट्टी होती है। सैटरडे संडे पहुँचते पहुँचते जो न्यूज़ आइटम्स हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल और बिजनेस न्यूज़ आइटम्स, तो वो थोड़ी कम हो जाती हैं। तो फिर
लाइक एवरी संडे एक स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, एक कुछ नई चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसकी मेन जो थीम है, या फिर आप कह सकते हैं इसका जो कोर है, वो ये है कि उन सारी जगहें, वे सारी जगहें जहाँ पर फ़िलहाल बिजनेस नहीं किया जाता या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हम देख नहीं पाते या फिर नहीं है, वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी। ये एक कोर है। ये क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। आपको पता है हमने हाल ही में डिस्कशन किया था कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो एक स्लोडाउन फेज में चल रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली भारत का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने ये बताया है कि 2019 में भारत जो है ये 7.5% का ग्रोथ अचीव करेगा और 2020 में 7.7, तो ये एक गुड न्यूज़ है नो डाउट। लेकिन ये जो ग्लोबल ग्रोथ में स्लोडाउन है और भारत का ग्रोथ अप हो रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसी के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश जो है एक बड़ा देश है, हमारे देश की पॉपुलेशन भी 1 बिलियन से ज़्यादा है। तो वी हैव टू हैव दिस डेवलपमेंट लेड गवर्नेंस एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि ग्रोथ जो है इसका फ़ायदा हर किसी को अगर नहीं पहुँचा तो फिर ये ग्रोथ जो है वो इतना ज़्यादा काम का भी हमारे देश के लिए नहीं होगा। हमारा एक सपना है कि हम हमारे देश को 10 ट्रिलियन, उसके बाद 20 ट्रिलियन की GDP तक पहुँचाना चाहते हैं, और फिलहाल हमारी जो पोजिशन है यह है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की। तो अगर हमें इस पोजीशन को मेंटेन करना है या फिर आगे बढ़ना है, एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा वो देखिए ट्रेडिशनल जो भी एरियाज़ हैं, सर्विसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग हैं, प्राइमरी सेक्टर हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन प्राइमरी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हमने एक्सप्लोर नहीं की हैं, उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राइमरी का मतलब ये है इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है, तो नेचुरल चीज़ों के साथ खेतीबाड़ी हैं, फॉरेस्ट हैं, माइनिंग है, तो ये सारी चीज़ें जिसमें हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग है। टर्शियरी जो है ये सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब रेगुलेशंस, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती हैं, ये सारे रूल्स जो ग्राउंड रियलिटी है, बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी के साथ अगर तालमेल में बनाए जाएं, अगर एक सिंक में दोनों चीज़ें चलती हैं, सिंक्रोनाइजेशन में, रेगुलेशंस, रूल्स एज वेल एज ग्राउंड रियलिटीज, तभी हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। हमारे कुछ राज्यों में हमें जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिला है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस थे, बट फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लोडाउन की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, जैसे कि केरला की बात करें तो लास्ट ईयर जो नेचुरल डिज़ास्टर वहाँ पर हुआ है, तो इससे केरला का जो टूरिज़्म है वो काफ़ी हद तक इसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। कुछ गुड न्यूज़ ये हैं कि पिछले कुछ टाइम में हमने हमारे देश में एक डिजिटल रेवोल्यूशन देखा है, राइट, डिजिटल इंडिया जिसको हम कहते हैं। तो डिजिटल इंडिया से गवर्नमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, करप्शन में एक कमी आई है, जो लीकेजेस थी सारी चीज़ों में उसमें भी हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, अकाउंटेबिलिटी जो है ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है, और यही सारी चीज़ें जो हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं खास करके डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिली, नए रोल्स हमें देखने को मिले हैं, चाहे ये फिनटेक हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फूड टेक की अगर हम बात करें, जो मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसी जगह जहां पर पहले हम बिज़नेस नहीं करते थे या फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन आज वहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। आपको पता है जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीज़ों की एडवर्टीज़मेंट हर जगह पर हमें देखने को मिलती है, और आपने यूनिफॉर्म पहने हुए स्विगी और जोमेटो के एम्प्लॉइज़ को भी देखा होगा, हो सकता है कि आपने फूड भी ऑर्डर किया हो। तो ये जो फूड टेक है, तो पहले ये होता था हमारे देश में कि जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं, यही अपनी अगर वो डिलीवरी की सेवाएं देते हैं तभी लोग वहाँ से मंगवाते थे, लेकिन आज आप जनरली स्पीकिंग किसी भी रेस्टोरेंट से फूड जो है ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर ये जो फूड ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में से, तो ये बिज़नेस या फिर ये जो एक एरिया ऐसा था जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। डिजिटल
टेक्नोलॉजी अगर हैं, पेमेंट सिस्टम हैं, फिर आप एप्लीकेशन के माध्यम से फूड ऑर्डर कर सकते हैं, स्मार्टफोन का ज़माना आ गया, इंटरनेट हर किसी के पास है, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। तो टेक्नोलॉजी ने ही इस नई फूड टेक इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म दिया और बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिली। बहुत रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, कभी भी आप खाना खाने के लिए जाएं और एक अच्छा रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर पूछिएगा कि ये जो जोमेटो हैं, स्विगी हैं या फिर कोई भी एक्स वाई जेड जो भी कोई कंपनी है जो ये डिलीवरी का काम करती है, तो उनसे पर डे उनकी थाली या फिर उनका जो फूड है या फिर उनकी जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा पिकअप हुई हैं। पहले वो 100 थाली बेचते थे तो आज हो सकता है 110, 120 थाली भी बेच रहे हों। तो ये 10-20 जो हैं एंड ऑफ द मंथ बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाती है, तो दैट्स गुड फॉर एवरीवन। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं टेक्नोलॉजी ने क्रिएट की हैं। तो क्रिएटिंग जॉब्स हैज़ टू बी लिंक्ड टू क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वेयर नन एग्जिस्टेड। तो पहले जहाँ पर नहीं थी वहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिली है। तो यही जो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसका मेन स्ट्रीमिंग करने की हमें कोशिश करनी होगी। चाहे ये एक रेस्टोरेंट की बात हो, होटल्स की बात हो, या फिर हैवी इंजीनियरिंग का काम हो, लॉजिस्टिक्स हैं, राइट, लॉजिस्टिक्स हैं, फिर मैनेजमेंट है किसी बिजनेस का, इन्वेंटोरी कंट्रोल यानी कि गुड्स का कंट्रोल, कितना गुड्स है, कहाँ पर पहुँचा है, ये सारी चीज़ें, ऑटोमेटिक इन्वॉइसिंग, पेमेंट्स, बहुत सारे हैंडलूम इंडस्ट्री हैं, हैंडीक्राफ्ट है, तो ये सारी जगहों पर अगर टेक्नोलॉजी मेनस्ट्रीम हो जाएगी, हर किसी के लिए अफोर्डेबल हैं, इजी टू यूज़ हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं, तो फिर नई नई क्रिएट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होगी। बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज जो हैं वहाँ पर हम नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे। एग्जाम्पल इज जोमेटो एंड स्विगी एंड दिस फूड डिलीवरी और फूड टेक। इससे फिर शॉप फ्लोर्स यानी कि जो एक बिजनेस जो आप रेगुलर एक नॉर्मल बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी टेक के आने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस इसकी बढ़ेगी। इंडिविजुअल लेवल हो, एंटरप्रेन्योर लेवल हो, स्टार्टअप लेवल हो, सर्विसेज हो, गुड्स हो, ये सारी चीज़ों में हमें एक जंप मिल सकता है और नेशनल, स्टेट लेवल और लोकल एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा इस प्रकार की जो डिजिटल रेवोल्यूशन का जो एक ज़माना है, तो इसको एम्ब्रेस करना होगा, इसको गले लगाना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस के बारे में। ग्लोबल ग्रोथ डाउन होगा तो फिर फॉरेन में जो चीज़ें हम बेचते हैं या फिर फॉरेन की चीज़ें यहाँ पर आती हैं, हम असेंबल करते हैं, हमारे देश में यूज़ करते हैं या फिर दूसरे देशों में यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में एक ज़बरदस्त बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर हम यहाँ पर, हमारे ही देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर ही अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फिर थोड़े एक्सपोर्ट्स कम भी हो जाएं, लेकिन कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो गया है हमारे देश का, तो इट विल हेल्प अस। आइडियल सिचुएशन ये होगी कि एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हो और कंजम्पशन भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट्स कम हैं तो लेट अस ट्राई टू बूस्ट कंजम्पशन। RBI की बात करें तो RBI के भी आंकड़े कुछ दिखाते हैं कि जो 12 ऐसे स्टेट हैं, राइट, तो उनमें भी हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि जो ग्रोथ हुआ है, तो ये ग्रोथ में भी एक ये इंक्लूसिव या फिर जॉब इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई है। बहुत सारे स्टेट्स ने तो खुद की जो GDP का एक एक्सपांशन है, वो नेशनल GDP जो हुई थी हमारी 2018 में 6.7 का ग्रोथ रेट हमने अचीव किया था ऑन एन एवरेज देश का, लेकिन उसे कई ज़्यादा बहुत सारे स्टेट्स ने डबल डिजिट भी क्लॉक किया है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि फॉर्मल सेक्टर में भले ही इतनी ज़्यादा बूस्टिंग हमें ना देखने को मिली हो, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो हैं, कई बार तो स्ट्रीट लेवल के जो बिजनेसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बूम हो रहे हैं हमारे देश में, उनमें काफ़ी एक तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो दिस कैन बी सॉर्टेड आउट विद द हेल्प ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज और इसके लिए enabling regulations, जैसे कि मैंने आपको बताया, हैंड इन हैंड होने चाहिए रूल्स एंड regulations विद बिजनेस रियालिटीज। ऐसे ही एक सेक्टर की बात करें फूड की, तो हमने बात कर ली। एक दूसरा जो एग्जांपल है, जो चाइना और दूसरे देश इन्होंने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, तो ये है टूरिज़्म। हमारे देश में हर साल 15 मिलियन टूरिस्ट जो हैं हमारे देश में विजिट करते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि सिंगापुर में इससे कई ज़्यादा टूरिस्ट हर साल विजिट करते हैं, तो हमारा देश तो एक
आपको हर चीज़ हमारे देश में मिल जाएगी, रेगिस्तान भी मिलेगा, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ मिलेगी, नदियाँ हैं, जंगल हैं, कोस्टल एरिया हैं, आइलैंड्स हैं, यू कैन नेम इट, यू विल फाइंड इट इन आवर कंट्री। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉडर्न जगहें हैं, सारी चीज़ें हैं, नाइट लाइफ भी हैं, स्पिरिचुअल जगह हैं, योगा है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो हम 15 मिलियन का ये जो आंकड़ा है, इफ़ यू आस्क मी देन वी कैन ईजिली मल्टीप्लाई इट बाई 75 मिलियन टूरिस्ट हर साल हमारे देश में विजिट कर सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेंज कर ले। तो अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फैसिलिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव की हैं, लग्जरी हैं, दूसरे जो कन्वीनियंस के साधन हैं, सेफ्टी हैं, ये सारी चीज़ें, क्वालिटी और राइट प्राइस, इस तीन चीज़ों का जो परफेक्ट मिक्स है उन्होंने ये अचीव किया, खास करके चाइना, इंडोनेशिया और दूसरे देशों ने, और उस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने क्रिएट की हैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर टूरिज़्म जो है वो बड़े बड़े मेट्रोज़ में पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर ही सीमित हैं, लेकिन जो दूर दराज के गांव हैं, कहीं जगह का, कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर है, एक गुजरात का एक पॉकेट है जहाँ पर आपको जो सिदी कम्युनिटी है अफ्रीका की, इथियोपिया से वो लोग माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे, कुछ हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पर, और आज वहाँ पर हैं, तो वहाँ का एक खुद का एक छोटा सा कल्चर है, वहाँ पर आपको ये सिदी कम्युनिटी के लोग देखने को मिलते हैं, तो उनकी एक वे ऑफ लाइफ है। तो बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों के टूरिस्ट जो हैं वो इस प्रकार की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। आज के द हिंदू एनालिसिस में मैंने बात की थी हम्पी के बारे में, हम्पी जो हैं, जो एक प्रश्न भी पूछा था, तो मैं जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो हम्पी है तो वहाँ पर आज की एक खबर है कि वहाँ की जो पिलर्स हैं, एंशियंट पिलर्स, तो उनको तोड़ा गया। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें हुई तो फिर नई अपॉर्चुनिटीज़, तो क्या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हम लूज़ कर जाएंगे। तो चाइना और इंडोनेशिया के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पर उन्होंने लोकल हॉस्पिटैलिटी, यानी कि जो ये होटल्स एंड अदर थिंग्स जो हैं टूरिज़्म के साथ जुड़ी हुई, तो इनके ऊपर फोकस किया, उन्होंने राइट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया, और सिर्फ क्वालिटी ऐसा नहीं है, होटल्स की क्वालिटी, राइट, ट्रैवलिंग की क्वालिटी उन्होंने इम्प्रूव की, फूड के ऊपर ये जो इंस्पेक्शंस है वो इंक्रीज़ किए, टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए उन्होंने सेफ्टी का एक माहौल क्रिएट किया, और जितने भी सिटीज़ जो अनडिस्कवर्ड थे तो वो आज वहाँ पर लोकल जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो भी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी विज़िट कर रहे हैं इन सारी जगहों को। तो वी कैन डू द सेम थिंग, राइट, हम एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, वीज़ा से लेकर सारी चीज़ें जो हैं, ट्रैवलिंग ईजी हो जाए, मैनेजमेंट हो, सुपरविजन हो, होटल्स का, बेड एंड ब्रेकफास्ट का, होम स्टेज का, तो ये सारी चीज़ों में अगर नए रूल्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें अगर हम लेकर आएँ, देन वी कैन क्रिएट जॉब्स, क्योंकि हर साल 4.75 मिलियन लोग जो हैं वो वर्कफोर्स में एंटर होते हैं, और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अब आप कितने भी कारखाने खोलेंगे तो उतने लोगों को वहाँ पर फिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्विगी हैं या फिर ये चाइना, इंडोनेशिया का जो एग्जांपल है, इस प्रकार की कुछ इनोवेटिव चीज़ की जाए तो फिर हम जॉब्स क्रिएट हमारे देश में कर सकते हैं, वरना तो फिर ये जो एक जॉब का प्रॉब्लम है ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हमारे देश में बन जाएगा, और टेक्नोलॉजी एंड टेक एनेबल्ड एंड टेक ड्रिवन एंटरप्राइजेज जो हैं इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक स्पेशल टॉपिक, एक नई सोच, एक नई चीज़ को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की डिस्कशन से क्या आपको एक नया व्यू पॉइंट मिला है, अगर मिला है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पास योर वैल्यूएबल कमेंट। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज संडे जो है वो अब हाफ संडे जितना बच गया है, तो एन्जॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।